तो जैसे हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, यहाँ पर इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आ जाता है। ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है और अपने फ़ोन का जो भी परमिशन है वो आपको इनको दे देना है। फिर से एक इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आएगी तो आपको एक्सेप्ट करना होगा इसको भी। अब यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन हो जाती है कुछ इस प्रकार के डैशबोर्ड में, ठीक है। यहाँ पर तीन प्रकार की कंपनियाँ हमको देखने को मिलती है। ये एक मैं आपको बता दूँ कि ये एप्लीकेशन जो है वो इस प्रकार की है, मल्टीपल लोन आपको प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सी आल पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमको मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, ठीक है फ्रेंड। डाल देते हैं, एक वन टाइम ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होगा। तो वन टाइम ओटीपी आता है तो हम वन टाइम ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा जो यहाँ पर लॉगिन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद में जो भी यहाँ पर प्रोसेस आएगा वो आपको कंप्लीट करना होगा। तो अब यहाँ पर देखो मेरे भाइयों, 15,000 से 50,000 रुपये तक का आप लोन ले सकते हो। दूसरी एप्लीकेशन आपको दे रही है 10,000 से लेकर के 25,000 रुपये तक का लोन। अब वो आप पे निर्भर है, आपको किस एप्लीकेशन से लोन लेना है वो आप पे निर्भर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों जो सेकंड वाली एप्लीकेशन है वॉलेट वाली, इस पर क्लिक करके इस पर जो है अप्लाई करके आपके सामने दिखाता हूँ ये कैसे काम करती है, ठीक है। अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पर देखो पेंडिंग में है और रिजेक्टेड में है, ठीक है। एक पेंडिंग में, रिजेक्टेड में है, और यहाँ पर हम इस पर क्लिक करें यहाँ पर, तो ये भी दोस्तों पेंडिंग में है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन जो है भैया मार्केट में नया आया है, लेकिन हो सकता है मैंने इस एप्लीकेशन में कभी ना कभी अपना अकाउंट ओपन किया है, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्ट पहले से ही दिखाई दे रहा है। रिजेक्ट पहले से ही दिखाई दे रहा है, तो भैया रिजेक्ट पहले से क्यों दिखाई दे रहा है? तो कहीं ना कहीं मैंने इस एप्लीकेशन में अकाउंट ओपन किया है, इसमें तो नहीं किया है, ठीक। लेकिन देखो मैं आपको बता दूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर, ये जो एप्लीकेशन होती है ना भैया, ये एक नाम से कई एप्लीकेशन लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। अभी क्या है, जो मैं आज का एप्लीकेशन बता रहा हूँ वो ये रहा दोस्तों, आई क्यू क्रेडिट, ठीक है, ये वाला एप्लीकेशन है, ठीक है। और पहले किसी दूसरे नाम से चला होगा भैया, मुझे पता नहीं है, तो मैंने इसमें अप्लाई किया होगा। तो अभी तो भैया ऑप्शन ही नहीं आ रहे मुझे अप्लाई करने का, मैं सिर्फ लॉगिन हुआ हूँ और बता दिया यहाँ पर जो एलिजिबल इसमें नॉट प्रेजेंट, थैंक यू सपोर्ट पेंडिंग है। तो क्या है ये, हो क्या रहा है दोस्तों? अप्लाई करा भी नहीं है और यहाँ पर सब कुछ पहले से ही है। तो कहीं ना कहीं ये एप्लीकेशन दोस्तों पहले किसी नाम से चलती थी और अभी किसी नाम से लॉन्च हो चुकी है दूसरे नाम से, ठीक है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से एक एप्लीकेशन और है जो कि क्रेजी मंकी है, इस टाइम जो है हमको प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा। अब होता क्या है, जैसे मान लो मैं क्रेजी मंकी में अगर अपना अकाउंट ओपन कर लेता, 10-15 हज़ार जो भी लिमिट मिलती वो ले लेता, ठीक है। उसके बाद में क्रेजी मंकी अपना नाम बदल करके कोई दूसरा नाम रख देती, तो क्रेजी मंकी हम सर्च करेंगे अगर प्ले स्टोर पर तो मिलेगा ही नहीं, ठीक। तो भैया मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि देखो भाई, जो भी लोन एप्लीकेशन 7 डे की होती हैं, जो नॉन फाइनेंस होती हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि सिविल पर तो ये इफेक्ट करेंगे नहीं, आपको अरेस्टमेंट ही करेंगे। और इनका जो नेम है ना भैया, लोन एप्लीकेशन का जो 7 डे कंपनी है, लोन एप्लीकेशन है ना, ये अपना नाम टाइम टू टाइम जो है रिप्लेसमेंट करते रहते, कभी कोई नाम रख देता है उसी एप्लीकेशन, कभी कुछ नाम आ जाता है, ठीक। आप सोच में पड़ जाए तो ये कौन सा एप्लीकेशन है। मैंने भी आपके लिए आज सोचा कि मैं इस एप्लीकेशन के बारे में आपको लाइव लोन लेकर के दिखा दूं, लेकिन यहाँ पर तो मेरी प्रोफाइल पहले से ही कंप्लीट है, हालांकि मैं कंप्लीट किया ही नहीं इस एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन पहले से ही प्रोफाइल कंप्लीट है। तो ये पहले कौन सा एप्लीकेशन था भैया, पता ही नहीं चलता यार। तो ऐसे आपको सावधान रहना है, 7 डे की जो भी लोन एप्लीकेशन है उनसे लोन लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं, ले सकते हो। लेकिन आपको जो है जी, अगर जी ज़्यादा हरेस्टमेंट करते हैं तो आपको रीपेमेंट बिल्कुल नहीं करना है भैया, ये तो बिल्कुल ऐसी एप्लीकेशन है, ठीक है। पहले कौन से नाम से चलती थी क्या मालूम, मुझे पता ही नहीं है कौन से नाम चलती थी। वैसे तो अभी ये अभी लॉन्च हुई है, ज़्यादा नहीं हुए, देखो 19 जनवरी 2023 को, और हालांकि मैंने 19 जनवरी से लेकर के अभी तक इस एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियो ही नहीं बनाया यूट्यूब पर, तो अप्लाई क्यों करूँगा क्या मालूम। तो भैया यहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम है भैया, आप बचिए इन एप्लीकेशनों से, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो गाइज वीडियो में बस इतना ही रहेगा यार, वीडियो आपको अच्छा लगा तो बस एक लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल जी के एप्लीकेशन पहले किस नाम से थी, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं ज़रूर आपको वीडियो बना कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो मिलेंगे नेक्स्ट अदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।